हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्वतंत्र में। मैं हूं अविनाश सिंह और हम कर रहे थे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हम लोग जो स्वर हैं और व्यंजन हैं, अयोगवाह है, उनके बारे में देखेंगे तथा स्वरों को डिटेल से पढ़ेंगे। हमने चर्चा की थी कि स्वर कितने हैं हमारे, 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, अ आ इ उ ए ऐ ओ ओ अंगा, और अंगा को हम क्या बोलते हैं, वैसे अयोगवाह में शामिल किए जाते हैं। लेकिन हम जब हम बात करें लिखने की, जो लिखित में वर्णमाला होती है, तब हम क्या करते हैं, हमने ये चर्चा की थी, तब हम अयोगवाह को किसके साथ रखते हैं, स्वरों के साथ। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। जो 10 होते हैं वो हैं अ आ इ उ ए ऐ और ओ। ठीक है, उसके साथ ही रेसे रिसीव को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं स्वरों में। बात करें वही अयोगवाह की, तो अंगा को भी हम लोग क्या शामिल कर देते हैं, स्वरों में ही। लिखित रूप में जो वर्णमाला होती है हमारी, किशोरी लाल वाजपेयी इन्होंने जो हमारे स्वर हैं उन्हीं के साथ जोड़ दिया है, किनको, अयोगवाह को। ठीक है, तो हमारे जो स्वरों की संख्या मौखिक रूप से कितनी है, 11। लेकिन लिखित में बात करते हैं, जब हम वर्णमाला को लिखते हैं तो लिखित में कितने हो जाते हैं, 13, क्योंकि अयोगवाह को भी जो किशोरी लाल वाजपेयी जी हैं उन्होंने किसके साथ शामिल कर दिया है, स्वरों के साथ ही उनको शामिल कर दिया है लिखित रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। और हमने कल चर्चा की थी कि स्वरों को क्या बोलते हैं, अच्छ। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हल। ठीक है, तो स्वर होते हैं जो हमारे, इनका उच्चारण कैसे होता है, स्वतंत्र रूप में होता है, अर्थात इनके उच्चारण हेतु किसी और की आवश्यकता नहीं होती। वही हम बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यंजनों को हम कैसे लिखते हैं, क। इसमें जब आ जुड़ेगा तब यह क्या होगा, क हो पाएगा। तो स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजनों के उच्चारण के लिए, साथ ही साथ उनको वर्णों में लिखने के लिए। इसलिए जो हमारा इनका उच्चारण किस पर निर्भर होता है, स्वरों पर निर्भर होता है। बात करें अयोगवाह की, तो अयोगवाह हमारे होते हैं 2 अंग। ठीक है, ये वैसे तो अलग हैं वर्णमाला में अगर हम मौखिक रूप से बात करें, लेकिन जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो हमने देखा होगा कि ओ के बाद क्या आता है, छोटा ओ, बड़ा ओ के बाद अंग। तो अंग जब आता है, तो हमने किशोरीलाल वाजपेयी जी ने व्यवस्था दी है कि जब मौखिक स्वर होते हैं तो 11 हम बोलते हैं, लेकिन लिखित में 13 हो जाते हैं, क्योंकि स्वरों के साथ ही अयोगवाह को लिख दिया जाता है व्यंजन से पहले। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम चलते हैं स्वरों के विभिन्न प्रकारों के बारे में, स्वरों को कितने प्रकारों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, 11। लेकिन अगर हम लिखते हैं तब हम कितनी हो जाती है, 13। ठीक है, याद रखिएगा। ये किशोरी लाल वाजपेयी जी थे एक, उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि हमारे मौखिक स्वर कितने होंगे, 13। लिखित स्वर कितने होंगे, 13, और मौखिक स्वरों की बात करेंगे तो कितने होंगे, 11। ठीक है, उन्होंने जो अयोगवाह थे उनको भी स्वरों के साथ ही लिख दिया था लिखित वर्णमाला में, इसलिए ये व्यवस्था बनी हुई है कि मौखिक स्वर कितने हो जाते हैं, 11, वहीं लिखित में देखें तो 13 हो जाते हैं। हम बात करने वाले हैं स्वर, स्वरों को क्या बोलते हैं, अच्छ। कितनों की बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में, 11। ठीक है, तो स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर, स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होते हैं हमारे मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। स
संधि स्वरों को भी हम दो प्रकारों में बांटते हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। बात करें मूल स्वर कितने होते हैं हमारे, चार, और संधि स्वर कितने होते हैं, सात। ठीक है, याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो प्रकारों में बांटा गया है, एक हमारे मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर होते हैं चार, जो हमारे हैं छोटा, छोटी, छोटा उ और रिफे रिफी। ये चार हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, कितने हैं चार हमारे मूल स्वर, आ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वर हमारे तीन होते हैं। कौन से होते हैं, आ प्लस आ, बड़ा आ। ठीक है, ई प्लस ई, बड़ी ई, उ प्लस उ, बड़ा उ। ये हमारे होते हैं दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारे सजातीय स्वरों का मेल होता है, सजातीय स्वरों का मेल। वही जो हमारे संयुक्त संधि स्वर होते हैं जिसमें क्या होता है, विजातीय स्वरों का मेल होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। ठीक है, ये कौन से होते हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे होते हैं दीर्घ संधि स्वर। अब ये किस किस के मेल से क्या बनता है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। जैसे दो आ जुड़ेंगे, आ प्लस आ, तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा आ। इसमें मैं बता चुका हूं ई प्लस ई, छोटी दो जुड़ेंगी, ऊ प्लस ऊ। ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ संधि स्वर, यानी कि दो सजातीय स्वर जुड़ रहे हैं इसमें। दोनों क्या है, ये सजातीय हैं। आ आ क्या है, दोनों एक जैसे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सजातीय स्वर। जब सजातीय स्वर मिलते हैं तो हमारे बनते हैं दीर्घ संधि स्वर। इसी प्रकार जब हमारे विजातीय स्वरों का मेल होता है तब हमारी क्या बनती है, जो संयुक्त संधि स्वर होते हैं वो बनते हैं। आ में जब हम लोग ई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी, ए। जब हम आ में छोटी ए जोड़ देते हैं तब बड़ी ए बन जाती है। इसी प्रकार जब हम आ में ऊ को जोड़ देते हैं तब हमारा बन जाता है छोटा ओ। जब हम आ में छोटे ओ को जोड़ देते हैं तब हमारा बन जाता है बड़ा ओ। तो ये हमारे ऐसे बनते हैं संधि स्वर। ठीक है, इन सब के बारे में आप लिख भी सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर, साथ ही साथ मूल स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, तो 4 हो गई ये, 3 हो गई ये और 4 हो गए ये, तो 11 स्वर हमने देख लिए हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण काल या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। इसके आधार पर स्वरों की बात करें तो हिंदी में दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। हम दो को अच्छे से देखेंगे, तीसरे को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो उच्चार काल में या फिर उच्चार काल या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः हिंदी में। पहला होता है ह्रस्व स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर।
तीसरा संस्कृत में होता है जिसको बोलते हैं प्लत्फर। ठीक है, याद रखिएगा। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकारों की बात करें तो हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसकी बात करें तो जो हमारे जो मूल स्वर होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। इसमें उच्चारण के आधार पर बात करें तो एक मात्रा होती है, ठीक है, और इसमें कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एकमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जब एक मात्रा को हम उच्चारित करेंगे तो जाहिर सी बात है समय क्या लगेगा, कम ही लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकमात्रिक भी बोलते हैं। इनकी जो संख्या है वो चार ही है, आ छोटा, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में एक ही मात्रा आती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक मात्रिक, और साथ ही साथ छोटी मात्रा होती है इसलिए क्या बोलते हैं, लघु मात्रिक। जैसे लघु मात्रिक मतलब हो गया ई की मात्रा क्या होती है, छोटी, छोटी ई बोलते हैं हम लोग, तो ई की मात्रा क्या होती है, रा को ऐसे लिखें तो री पे छोटी की मात्रा आएगी तो क्या हो गई, लघु मात्रिक, यानी कि छोटी मात्रा आ रही है, तो इसलिए लघु मात्रा की भी बोलते हैं, क्योंकि इनपे लघु मात्रा यानी कि छोटी मात्रा होती है। ठीक है, तो हमारे ह्रस्व स्वरों को हम क्या बोलते हैं, लघु मात्रिक या फिर एक मात्रिक, और इनके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय। अब हम बात करें दीर्घ स्वरों की, तो इनके उच्चारण में क्या लगेगा, दोगुना समय लगेगा। इनके उच्चारण में जैसे दो ई मिलके जब बड़ी ई बना रही है तो इनके उच्चारण में क्या लगेगा, समय अधिक लगेगा। या तो दोगुना लिख लीजिए या फिर अधिक समय। इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक भी बोलते हैं। ये हमारे एकमात्रिक होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, द्विमात्रिक, इनका इनका अंक इनके ऊपर क्या होती है, दो मात्रिक होते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर तो इनका नाम है ही, लघु स्वर यानी कि दीर्घ स्वर और लघु मात्रिक और दीर्घ मात्रिक, ये तो है ही है अंतर। इनकी बात करें तो हमने पहले भी देखा था आ, ठीक है, बड़ी और बड़ाऊ, ये हमारे क्या है, दीर्घ मात्रिक स्वर है। साथ ही साथ इनके साथ ही साथ हमारे जो बाकी स्वर हैं जो मैंने बताए थे, संधि स्वर ए, बड़ी ए, बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सारे क्या होते हैं, जो दीर्घ स्वरों में हमने पढ़े थे वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, द्विमात्रिक स्वरों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें प्लुत स्वरों की, तो ये संस्कृत में मुख्यतः यूज होते हैं, और मुख्यतः किसके लिए होते हैं, संबोधन के लिए। जैसे एक आपने सुना होगा ओम, तो जो हम ओम का जाप करते हैं तो उसमें कितने सारे स्वर हैं, उसमें दो स्वर हैं, नहीं, दो से अधिक स्वर होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, उसको प्लत स्वर बोलते हैं। जब किसी भी स्वर में, किसी भी संबोधन में क्या होते हैं, दो से अधिक स्वरों का मेल होता है, एक साथ उच्चारण करना होता है, तब वो क्या होते हैं, प्लत स्वर कहलाते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ओम, ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसे रामायण वगैरह देखी होगी किसी ने, हे राम, तो ये वाला जो उच्चार होता है वो किस लिए आता है, ये संबोधन के लिए आता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, ओए इधर कुआ, तो ऐसे ये क्या है, संबोधन एक तरह से हो रहा है, ओए, तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग, हे राम, हे श्याम, तो ये क्या है, एक तरह से संबोधन है, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा ये संबोधन होता है मुख्यतः। ठीक है, राम में जो रा के बाद डंडा है यानी कि आ की मात्रा है वो एक या दो से अधिक बार प्रयुक्त होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसको प्लत स्वर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार होते हैं संस्कृत की में बात करें तो, बाकी अगर हिंदी की बात करें तो हमारे लिए यही दो इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे अगर
डिवीजन की बात करें तो तीन प्रकार होते हैं, लेकिन हिंदी के लिहाज से हमें दो ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि हमारे जो 11 स्वर हैं वो इन्हीं दोनों के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। और हम बात करें उच्चार काल के आधार पर हम देख ही लिया है, उत्पत्ति के आधार पर देख ही लिया है, तो अब क्या रह गया है, तो हम देखते हैं मुख द्वार खुला या फिर बंद के होने के आधार पर जो स्वरों के प्रकार होंगे वो कौन से होंगे। अगला एक प्रकार है वो संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, यानी कि चार प्रकार होते हैं मुख द्वार खुला है या फिर बंद है उसके आधार पर स्वरों के। बात करें मुख द्वार खुला है या फिर बंद है उसके आधार पर स्वरों कर रहे थे, मुख द्वार खुला है या फिर बंद है उसके आधार पर स्वरों के प्रकारों की, तो देखते हैं हम लोग इसके अंतर्गत पहला जो प्रकार है संवृत स्वर। इसमें क्या होता है, मुख द्वार लगभग लगभग बंद होता है या फिर फकरा होता है। बंद या फकरा होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे संवृत स्वर। संवृत स्वरों की बात करें तो इसके साथ ही साथ मुख द्वार फकरा या बंद होता है और इसके साथ ही साथ जीभ को ऊंचा लेके जाते हैं, यानी कि तालु के पास। जीभ को ऊपर यानी कि तालु के पास लेके जाते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे संवृत स्वर। ठीक है, संवृत स्वरों के अंतर्गत क्या होता है, मुख द्वार बंद या फकरा होता है, साथ ही साथ जीव को तालु के पास यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे चार स्वर शामिल होते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा उ और बड़ा उ। ये होते हैं हमारे संवृत स्वर। ठीक है, और अगला प्रकार है हमारा वो होता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर, इसमें क्या होता है, मुख द्वार कम फकरा होता है या फिर आधा खुला रहता है। इनके उच्चारण के समय मुख द्वार या तो फकरा होता है, कम फकरा होता है या फिर आधा खुला रहता है। वहीं संवृत स्वरों के अंतर्गत क्या होता है, मुख द्वार लगभग लगभग बंद होता है, जैसे ई तो लगभग लगभग बंद रहता है, और साथ ही साथ हमारा क्या होता है, जीभ को हम ऊपर लेके जाते हैं और क्या होता है, तालु के पास जीभ को लेके जाते हैं, या तो फकरा होगा या फिर लगभग लगभग बंद होगा। ऊ में क्या होता है, ओठों की ध्वनि बन रही है और मुख द्वार हमारा क्या है, लगभग लगभग बंद है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा अर्ध संवृत स्वरों की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे कौन से शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे ये दो जो छोटी ए है और छोटा ओ है, ये दो शामिल होते हैं अर्ध संवृत स्वरों के अंतर्गत। अब हम बात करें विवृत स्वरों की, तो विवृत स्वरों में क्या होता है, हमारा मुख द्वार लगभग लगभग पूरा खुला रहता है। और इसके साथ ही साथ जीभ को नीचे लाते हैं। तालु से दूर, तालु क्या होता है, तालु हमारा जो हमारी जीभ है
ठीक है, हमारे मुंह को और हमारे जो हमारा मस्तिष्क है उसको जो अलग करता है, यानी कि हम जीभ को जब ऊपर की तरफ टच करेंगे जस्ट 90 डिग्री पे, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा तालू होता है, ठीक है, ये हमारा तालू होता है। तो तालू से जीभ को नीचे की तरफ लेके आते हैं तब हमारे बनते हैं कौन से, विवृत्स्वर, और जब तालू के पास लेके जाते हैं ऊपर की तरफ जीभ को तो हमारे अर्ध, जो हमारे संवृत स्वर हैं वो बनते हैं। इनकी बात करें हम लोग, इनमें कौन से स्वर शामिल हैं, तो बड़ा आ, और जो हमारा ये वाला बनता है ये हमारा कौन सा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है जो विवृत स्वर होते हैं वो, ठीक है, बड़ा आ और बड़ा आ, आ, ठीक है, आ, जैसे आ में क्या होता है, छोटा आ आ रहा है तो उसमें मुखद्वार खुल रहा है, विवृत स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन वो पूरा विवृत स्वर नहीं होते, वो हमारे होते हैं अर्ध विवृत स्वर। जिसमें मुखद्वार कम खुला रहता है, इसके अंतर्गत जो बाकी स्वर हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी ए हो गया, बड़ा ओ हो गया और आ हो गया। ठीक है, ये स्वर जो आते हैं ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अर्धविवृत स्वरों के अंतर्गत। अब हम बात करें पूरे की, तो हमारे पहले स्वर, स्वरों का जो प्रकार है मुखद्वार खुला या बंद होने के आधार पर, तो वह है संवृत स्वर। संवृत स्वर का मतलब है फकरा, संवृत मतलब फकरा, ठीक है, यानी कि मुखद्वार इसमें बंद होगा या फिर फकरा होगा, या और इसमें हम क्या करेंगे, जीभ को तालू के पास यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसके अंतर्गत जो स्वर शामिल है हमारे वो है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब हम बात करते हैं अर्ध संवृत स्वरों की। अर्ध संवृत स्वर का मतलब है मुखद्वार खुला, मतलब मुखद्वार फकरा तो होगा, मुखद्वार बंद तो होगा लेकिन कम बंद होगा, पूरी तरह से बंद नहीं होगा, इसके मुकाबले थोड़ा सा कम होगा, यानी कि आधा खुला रहेगा। इसमें हमारे स्वर शामिल है अर्ध संवृत में छोटी ए और छोटा ओ। अब हम बात करें विवृत स्वरों की। विवृत मतलब बंद एक तरह से, ठीक है, ठीक है, मुखद्वार इसमें क्या होता है, विवृत में खुला रहता है। संवृत का मतलब हो गया फकरा या फिर बंद, और विवृत का मतलब हो गया मुखद्वार खुला रहता है। बात करें, और इसमें जीभ को हम नीचे की तरफ यानी कि तालू से दूर लेके जाते हैं। अब हम बात करें अर्धविवृत स्वरों की, तो इसमें भी मुखद्वार खुला रहता है लेकिन आधा खुला रहता है, ठीक है, कम खुला रहता है या फिर आधा खुला रहता है। इसमें जो स्वर शामिल है हमारे वो है छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ और आ, और इसमें शामिल है हमारे बड़ा आ और आ, ठीक है, और इसमें जो आ के ऊपर जो डंडा होता है, इसमें डॉक्टर जो हम लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा मुखद्वार खुला रहता है लेकिन नॉर्मल आ के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। तो ये थे हमारे मुखद्वार खुला या फिर बंद होने के आधार पर स्वरों के प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। अगला जो हमारा प्रकार है स्वरों का, वह है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का प्रकार, यानी कि जीव का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है स्वरों के उच्चारण में, उसके आधार पर स्वरों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। ये सारे किसके आधार पर हैं, उच्चारण के आधार पर, जो उच्चारण कर रहे हैं हम कौन से भाग का प्रयोग कर रहे हैं, मुखद्वार खुला रहता है या फिर बंद रहता है, या फिर हम एक मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं या फिर दो मात्राओं का, ये सारे इस आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं। अगला है हमारा जीव के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जीव का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर स्वरों के प्रकार। इसके अंतर्गत तीन प्रकार होते हैं, जैसे अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, अर्थात जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग होगा इसमें,
इसमें जीभ का बीच वाला या फिर मध्य वाला भाग प्रयोग करते हैं? और इसमें जीभ का पीछे वाला भाग प्रयोग करते हैं? तो ये उच्चारण कैसे करते हैं हम जीव के आधार पर स्वरों का, वो सारे उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और स्पष्ट स्वर। ठीक है, अग्र स्वर में हमारे कौन से आते हैं? तो छोटी, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए। ये हमारे होते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वरों की बात करें तो केवल आता है इसमें आ। ठीक है, बाकी जो हमारे बचते हैं वो किस में आते हैं? स्पष्ट स्वरों में। जो भी हमारा बचा है इसके अलावा, छोटा उ, बड़ा उ, ठीक है, और छोटा ओ, बड़ा ओ और बड़ा आ। तो जो भी बाकी है, बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ और छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सारे किस में शामिल किए जाते हैं? जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, उच्चारण में जीव का हम कौन से भाग का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर स्वरों के ये प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और स्पष्ट स्वर। अग्र स्वरों में हम जीव का आगे वाला भाग प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा शामिल है हमारा? ई, बड़ी, ठीक है, उ और बड़ा उ। ठीक है, और जीव का मध्य भाग प्रयोग होता है हमारा आ में। ठीक है, जीव का स्पष्ट भाग यानी कि पीछे वाला भाग प्रयोग होता है बड़ा आ, छोटा उ, ठीक है, बड़ा उ और छोटा उ और बड़ा उ, ये सारे हमारे अलग अलग भाग प्रयोग होता है जीव का, इसलिए इनको अलग अलग प्रकारों से उच्चारित करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो स्वरों की मात्राएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। स्वरों की मात्राएं, कौन से स्वर में कौन सी मात्रा लगती है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम जो स्वरों का जो टॉपिक है वो सारा लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्वरों की मात्राएं, ये तो लगभग सभी को पता ही होगा स्वरों की कौन सी मात्राएं होती हैं। जो छोटा हमारा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई स्पेशल मात्रा नहीं होती जो हमें दिखती हो। ठीक है, नॉर्मली जो हम उच्चार करते हैं का, जो हमारा व्यंजन होता है का, उसमें आ जुड़ा रहता है, लेकिन इसकी स्पेशल कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अन्य जो हमारे व्यंजन होते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं उनकी मात्रा होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमात्रिक। बात करें बड़ा आ की, तो इसकी मात्रा होती है हमारी डंडा। किसी भी चीज के पीछे डंडा आ जाता है, जैसे राम, तो राम में जो डंडा है ये हमारा बड़ा आ का डंडा है, यानी कि बड़े आ की मात्रा है। छोटी ई, इसकी जो मात्रा होती है वो हमारे शब्द से पहले आती है इस प्रकार से, जैसे कोई भी शब्द हमारा जिसमें छोटी ई की मात्रा आ रही हो वो कैसे लिखा जाएगा? इसी प्रकार लिखा जाएगा, जैसे रे। ठीक है, कोई भी शब्द हमारा रे से शुरू होता हो, और भी कोई सी, ऋतु कैसे लिखेंगे हम? तो रुचि, इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हम बात करें बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा जो होती है शब्द के बाद डंडा लगा के लिखी जाती है, जैसे नीलम, ठीक है, नीला, पीला, जो हमारा कोई भी शब्द आएगा जिसमें बड़ी की मात्रा है वो इसी प्रकार से मात्रा इसकी होती है। अब हमारा आता है छोटा उ, छोटा उ की मात्रा होती है इधर करके शब्द के नीचे, ठीक है, शब्द के नीचे। कोई भी है कुल्लू, तो जो हमारा कुल्लू मनाली है, ठीक है, हम बात करेंगे उसकी, तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो कुल्लू में, या फिर कल्लू, जो कोई भी शब्द लिखे हम जिसमें छोटे ऊ की मात्रा आ रही है वो नीचे की तरफ शब्द के, कल्लू। ठीक है, या फिर हम कोई भी शब्द लें और भी,
जो भी हम ले सकते हैं कुमार, ठीक है कुमार, तो वो क्या आएगी हमारे, अगर हम मात्रा की बात करें तो क्या आएगा, यही आएगा। अब हम बात करें बड़े ऊ की, तो इसकी मात्रा होती शब्द के नीचे इस प्रकार से। तो हम इसको बात करें जैसे सालू, हमें लिखना हो सालू, सालू चालू, ठीक है ये सारे शब्द होते हैं, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो उसमें शब्द के नीचे इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं बड़े ऊ की मात्रा का, ठीक है। छोटी ए, इसकी मात्रा होती है एक शब्द के ऊपर, ठीक है जैसे रेखा, और बड़ी ए, ठीक है इसकी मात्रा क्या होती है, दो मात्राएं होती है शब्द के ऊपर इस प्रकार से, ये हमारी मात्रा होती है बड़े ए की। बड़े ए की मात्रा को जैसे कोई भी हमें लिखना हो, हमें शब्द लिखना है वैवाहिक या फिर दैहिक, दैहिक शब्द जब क्या लिखा है लिखेंगे इस पे डबल ए आएगी, यानी कि बड़ी ए आएगी, दैहिक डबल मात्राएं, ठीक है। अब हम आते हैं छोटा ओ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा कैसे होती है, डंडा लगा के उस पे एक मात्रा इस प्रकार से, जैसे हम कोई भी शब्द लिखेंगे जिस पे छोटे ओ की मात्रा आ रही हो तो उसको कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ओफे ओकली, तो ये डंडा लगा के एक मात्रा जो होती है ओ की ऊपर की तरफ, वो हमारे होती है छोटे ओ की। हम बात करें बड़ा ओ, तो उसमें दो मात्राएं होती हैं और डंडा लगा के ही दोनों लिखी जाती हैं, जैसे औरत, ठीक है ये हमारी मात्राएं होती है नॉर्मल स्वरों की, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह और चार दस, लेकिन हमारे स्वर होते हैं ग्यारह। तो ऋषि, ऋषि की जो मात्रा होती है उसको हम शब्द के नीचे इस प्रकार से लगाते हैं। जैसे हम बात करें उसका जो मात्रा होती है ऐसी होती है शब्द के नीचे, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं, रि की तरह, यानी कि रा पे छोटी की मात्रा लगा देंगे, इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे लिखा जाए शब्द दृष्टि, ठीक है, या फिर पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, पा फिर रा, ठीक है आधा पा आएगा, रा आएगा ये वाला, फिर आएगा था आधा, फिर आएगा वह, फिर इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। तो हम इसको लिखते इस प्रकार से हैं, उच्चारण इस प्रकार करते हैं, एग्जाम्पल आपका ये रहा, ठीक है। तो हमारे ये थी स्वरों की मात्राएं, छोटा आ कोई मात्रा नहीं, इसको अमात्रिक भी बोलते हैं, बड़ा आ डंडा की मात्रा होती है शब्द के बाद, छोटी शब्द से पहले ऊपर से मात्रा होती है, और बड़ी शब्द के बाद मात्रा होती है डंडा लगा के, छोटा ऊ हमारा होता है नीचे इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ जाके मात्रा लगाते हैं, बड़ा ऊ होता हमारा राइट की तरफ नीचे शब्द के, छोटी ए होती है हमारी एक मात्रा लगती है शब्द के ऊपर, ठीक है बड़ी ए में दो मात्राएं लगती हैं, छोटी छोटा ऊ में एक मात्रा लगती है डंडा लगा के, बड़ा ऊ में दो मात्रा लगती है डंडा लगा के, और राफे ऋषि होता है उसकी मात्रा ये चिन्ह होता है और इसका उच्चार ये प्रकार से होता है, ठीक है। तो जो हमारे मात्राएं हैं स्वरों की या फिर किसी भी प्रकार की मात्राएं हैं वो कैसी होती हैं, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में लगती हैं। जो हमारी लिपि है देवनागरी उसी में हम लोग लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि या फिर हिंदी में जो हमारी मात्राएं होती हैं वो चारों तरफ प्रयोग की जाती हैं। वही हम बात करें रोमन लिपि में जो हमारी मात्राएं होती हैं वो कि एक तरह से सीधे से शब्द होते हैं उसी प्रकार से लिखी जाती हैं, कोई भी ऊपर नीचे मात्रा नहीं होती। तो ये थी हमारी स्वरों की मात्राएं। अब हमारा स्वरों के अंतर्गत केवल एक टॉपिक बचा है उच्चारण, स्वरों का उच्चारण। उसके साथ ही हमारा ये स्वरों वाला टॉपिक है लघु लघु कंप्लीट हो जाएगा, स्वरों का उच्चारण। यानी कि जो उच्चारण अवयव है हमारे उसके आधार पर हम स्वरों को कहां से किस स्वर को उच्चारित करते हैं।
ठीक है, जो हमारे उच्चारण अवयव होते हैं ये होता है हमारा कंठ। कंठ के बाद मैंने बताया था तालु कौन सा होता है जो हमारा जीव को दिमाग मस्तिष्क में लगने से रोकता है, वो हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तालु। ठीक है, तो हमारा कंठ होता है, तालु होता है, तालु के जस्ट नीचे और दांतों के ऊपर वो होता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य के आगे हमारे दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं और एक जीभ होती है। तो इन सब के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों को देख भी लिया है कि कहां से कौन सा स्वर निकलता है, कब मुख रहता है बंद, कब खुला रहता है। जीव के आधार पर तो हम लोग स्पेशली देख चुके हैं। अब हम बाकी जो उच्चारण अवयव हैं, जो हमारे उच्चारण अवयव होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो कंठ हमारा होता है, तालु होते हैं, उसके साथ ही साथ मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य के अलावा दंत होते हैं और ओष्ठ होते हैं, ये हमारे क्या है, उच्चारण अवयव। तो हमारा कंठ, तालु, ठीक है, कंठ, तालु, फिर हमारा था मूर्धन्य, मूर्धन्य ये हमारे उच्चारण अवयव है। मूर्धन्य के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ये हमारे उच्चारण अवयव है। लेकिन कुछ वर्ड या कुछ स्वर हमारे जो हैं, जो दो उच्चारण अवयव हैं दोनों का प्रयोग किया जाएगा, इस कारण से उनका प्रयोग, जैसे कंठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ दंत ओष्ठ हो जाएगा, कुछ भी जो दो शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोनों हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द जिस प्रकार से उच्चारित होगा वो हम लोग करेंगे। तो हम बात करें इस प्रकार से उच्चारित करने की स्वरों की, तो हमारे जो स्वर होते हैं वो स्वर जो कंठ से उच्चारित होते हैं वो होता है छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है, ये हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। जैसे आप बात करोगे अ अ, तो आ में गले से जो ध्वनि आ रही है वहां पर गले में ही कंपन हो रहा है, और कोई भी हमारा जो भी भाग है, जो भी हमारा जैसे जो उच्चारण अवयव है उनमें कोई भी ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, यानी कि बहुत ही कम क्रिया कर रहे हैं गले के अलावा। गला सबसे ज्यादा क्रिया कर रहा है, इसलिए इसको हम कंठ या फिर कंठ जो हमारे स्वर होते हैं उनको शामिल करते हैं आ और आ में। तालु की बात करें, छोटी ई और बड़ी ई, जो कंठ और तालु, ठीक है, कंठ में आते हैं हमारा छोटा आ बड़ा आ, और तालु में आते हैं हमारे, तालु ऊपर की तरफ हम उसका प्रयोग करते हैं, वो हमारे होते हैं ई ई ई। तो हमारा जो तालु वाला भाग है ई बोलने में प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारे स्वरों का उच्चारण अवयव कौन से हो गए, कंठ हो गया हमारा छोटा बड़ा, तालु हो गए ये, इनको बात करें हम कंठ स्वर बोलेंगे, इनको तालव्य स्वर बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य के अंतर्गत एक ही स्वर हमारा जो प्रयोग होता है वो ऋषि, कि रे में हमको क्या करते हैं, दांतों से जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है वहां पे जीव को हल्की सी टच करते हैं, तो वो होता है हमारा मूर्धन्य, रे रे रे। तो हमारा जो दांतों से जस्ट ऊपर वाला जो भाग है दांत और तालु के बीच का, तो उसको हम प्रयोग कर रहे हैं रे बोलने में, इसलिए हमारे मूर्धन्य स्वरों के अंतर्गत आता है रे से ऋषि। ठीक है, अब हम बात करें तो दांतों के अंतर्गत और ओष्ठ के अंतर्गत हमारा मुख्यतः ये दांतों के अंतर्गत कोई नहीं आता। ठीक है, दंत स्वरों में हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ ओष्ठ स्वरों में हमारा ऊ बोलने में, जो हमारा लड़कियां जो फोटो खिंचवाती हैं पाउट बना के लगो लगो वो बन जाते हैं ऊ। तो हमारा जो ऊ यू हो रहा है वो कौन सा, जो स्वर उच्चारण अवयव यू हो रहा है, तो वो हमारा हो रहा है ओष्ठ, यानी कि होठ हमारे प्रयोग हो रहे हैं ऊ बोलने में। तो हमारा दंत के अंतर्गत कोई भी स्वर नहीं आता, लेकिन ओष्ठ के अंतर्गत ये दोनों शामिल किए जाते हैं। अब हमारा दो स्वर और हैं, जो हमारे दो उच्चारण अवयव और हैं, जो मैंने बताया था दो चीजों को मिला के प्रयोग किए जाते हैं, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, दोनों को मिला के हमारा बन जाता है कंठ और तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों को मिलाया जा रहा है, ये बन रहे हैं हमारे, और कंठ और ओष्ठ दोनों को प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये बन रहा है कंठ और ओष्ठ। तो ये स्वर भी हमारे शामिल किए जाते हैं। जो हमारे बचे हुए स्वर हैं, जिसमें से छोटी ए और बड़ी ए, और इसके अंतर्गत आता हमारा छोटा ओ और बड़ा ओ, तो ये थे हमारे उच्चारण अवयव। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी होती हैं उच्चारण अवयवों में। ठीक है, कुछ होता है हमारे अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है,
और निरनुनासिक क्या होता है? और साथ ही साथ विसर्ग, इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है? इसकी मात्रा ये होती है, इसका होता है बिंदी, ठीक है, इसका होता है हमारा ये, ठीक है, चंद्रबिंदु। ये हमारे होते हैं, मैंने बताया था आयोग वाक्य के अंतर्गत ये दोनों चीजें बताई थी, ठीक है। ये आप इनको लिख सकते हैं, वरना नोट भी कर सकते हैं, जो भी हम आपको लगे स्क्रीनशॉट भी लेके काम चला सकते हैं। तो अनुस्वार जो हमारा ध्वनि होती है, वो अनुस्वार का मतलब है केवल नाक से उच्चारित ध्वनियां, ध्वनि नाक से उच्चारित होती है। कहां से? नाक से। जैसे अंगूर, ठीक है, अंगूर में ना से ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है ना की, वो नाक से आ रही है, इसलिए उनको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। इनका उच्चारण की बात करें, इसमें नाक और मुंह दोनों आते हैं, ठीक है, अंगना या फिर कंगना, तो इसमें कंगना, मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारे होते हैं अनुनासिक। निरनुनासिक में केवल मुंह का प्रयोग होता है, इसमें नाक का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं निरनुनासिक, यानी कि नाक का प्रयोग नहीं हो रहा। विसर्ग का उच्चारण हम करते हैं हा की तरह, जैसे प्रातः, ठीक है, प्रातः, दुख, दुख में क्या होता है? हा की तरह। जो विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार से होता है? हा की तरह। तो ये तो हमारा स्वरों का या फिर अयोगवा दोनों सबका मिला के उच्चारण, किस प्रकार से किसका उच्चारण करते हैं, कहां से होता है उच्चारण, अवयव कौन से होते हैं, सारा हमने देख लिया है। ये कभी कभी सीधा सीधा एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि ऊ का उच्चारण हम कहां से करते हैं, ओष्ठ से, मूर्धन्य से, तालु से, कंठ से, या फिर हम छोटी ए बड़ी ए का उच्चारण कहां से करते हैं, तो उसमें कंठ ओष्ठ आएगा, कंठ तालव्य आएगा, और ओष्ठ आएगा या फिर कंठ आएगा। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, कहां से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है। तो स्वरों के अंतर्गत हमने सारे प्रकार देख लिए हैं, उनकी मात्राएं देख ली हैं, ठीक है। प्रकारों के अंतर्गत हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, और साथ ही साथ जो मात्राओं के आधार पर हमने देख लिया था, और एक और देखा था हमने मुख द्वार खुला है या फिर बंद है उनके आधार पर, और साथ ही साथ हमने देख लिया उनका उच्चारण कहां से होता है, यानी कि उच्चारण अवयव क्या होते हैं। तो स्वरों के अंतर्गत जितनी चीजें हो सकती थी वो सारी हमने कर ली हैं। तो स्वरों के अंतर्गत इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद।